नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है गेहूं पर अधिक उत्पादन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो हम बात करते हैं कि अगर हमारी फसल 60 से 70 दिन की हो चुकी है तो इस स्थिति में हमें क्या क्या नहीं करना है जिससे कि हमें नुकसान हो सके। तो किसान भाइयों, हमें नंबर एक पर खरपतवार का स्प्रे नहीं करना है किसी भी प्रकार खरपतवार का। अगर हम इस स्थिति पे करते हैं, 60 से 70 दिन की फसल पर हम स्प्रे करते हैं तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके साथ साथ किसान भाइयों, अगर आप दो सिंचाई कर चुके हैं और आपकी फसल बालियां निकलने की अवस्था पर है, फ्लैग लीक पर है, यानी कि झंडा पत्ते की स्थिति बन चुकी है, उसमें झंडा पत्ता निकल चुके हैं, बालियां निकलने वाली हैं, तो आपको यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं है। आपकी यूरिया से पहली दूसरी सिंचाई तक ही देना है, तीसरी बार में यूरिया आपको नहीं देना है। इस स्थिति में अगर आप इस स्थिति में यूरिया देते हैं तो आपकी जो फसल है वह लंबी हो जाएगी, ग्रोथ बढ़ाएगी और उसकी जो तना है वह कमजोर हो जाएगा, जिससे आगे गिरने का डर रहेगा। इसके साथ साथ किसान भाइयों, आपको तीसरी चीज है पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इसका स्प्रे करना है या नहीं करना है। इसके बारे में हम बता रहे हैं किसान भाइयों, अगर आपकी फसल अंगैती है, आपने बहुत जल्द पहले ही बुवाई कर रखी है, अक्टूबर नवंबर में लगा रखी है और उसकी हाइट बढ़ रही है, तो आप पीजीआर का इस्तेमाल कर दीजिए, क्योंकि पीजीआर से जो फसल की ग्रोथ बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है, उसको रोक देता है, जिससे कि आगे गिरने के डर खत्म हो जाते हैं। अगर हाइट लंबी बढ़ जाएगी तो गिरना अधिक स्वभाव हो जाता है और गिरने के चांस भी बढ़ जाते हैं। अगर आपकी फसल पछती है, दिसंबर में बुवाई की हुई है, तो आप उसमें पीजीआर का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो फसल लेट भी है और वह उसकी ग्रोथ भी कम कर देगा, तो आपको नुकसान भारी उठाना पड़ सकता है। अब किसान भाइयों बात करते हैं, आपको इसमें देना क्या है, करना क्या है अधिक उत्पादन के लिए। तो इसमें आपको आपके जो फ्लैग लीफ अवस्था आ चुकी है, झंडा पत्ता बोलते हैं जिसे, या बालियां आपकी निकलने वाली हैं या कहीं कहीं निकल भी आई हैं, उस स्थिति में आपको एनपीके 0534 का करना है स्प्रे। इसके साथ आपको मिलाना है बोरोन, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में लगने वाला एक पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो बोरोन को हमें सिर्फ थोड़ी सी मात्रा, जैसे कि आप 100 लीटर पानी में, अगर आप एक एकड़ की मात्रा 100 लीटर पानी में आप 100 ग्राम ले लीजिए, 150 लीटर पानी में आप 100 ग्राम की मात्रा ले लीजिए, इसे हमें बोरोन को ज़्यादा यूज नहीं करना है, सिर्फ थोड़ी सी मात्रा ही लेनी होती है, या 50-100 ग्राम की मात्रा ही इसे रख के ज़्यादा ना ले, नहीं आपको नुकसान उठाना भी पड़ सकता है इससे बोरोन में, क्योंकि बोरोन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसकी हल्की ही मात्रा पर्याप्त रहती है। इसका कार्य क्या होता है किसान भाइयों, कि परागण क्रिया को बढ़ाता है, बालियों में खाली पर नहीं रखता है, यानी कि पूरी बालियां पूर्णतः भर देता है। जैसे आपने देखा हो गेहूं की बालियां कुछ फांपी यानी खाली रह जाती है नीचे या ऊपर साइड, तो यह नहीं रखता है, यह पूरी भर देता है बालियों को। और फास्फोरस जो पोटास रहते हैं, इनका कार्य यह रहता है कि तने को मजबूत करना, जड़ों को मजबूत करना, जो कि मिट्टी को पकड़ के रखें, और तना मजबूत रहेगा तो जो उसमें भार होता है, बालियों में वजन आ जाता है, दाने में वजन आ जाता है, गिरने से भी बचाता है, और दाने में वजन पैदा करना, पोटाश मौसमी परिवर्तन से बचाव करना, जो कि सर्दी से गर्मी की ओर बढ़ना, इस मौसमी परिवर्तन से फसल को बचाता है, इसके साथ साथ शाइनिंग लाता है, चमक लाता है और पैदावार को अधिक बढ़ाता है, बाल की साइज लंबी करता है। तो किसान भाइयों, इसके साथ साथ आपकी जो फ्लैग लीक अवस्था में, झंडा पत्ता अवस्था में, यानी कि येलो रस्ट, एक येलो रस्ट भी आता है, एक अगर आपकी फसल में येलो रस्ट, जब भी आप पत्तियों को पकड़ेंगे, गेहूं की पत्ती को पकड़ेंगे और हाथ से निकालेंगे, तो आपके हाथ में पीला पीला सा कलर दिखेगा। अगर यह आपकी फसल में दिखता है तो आप इसमें एक स्प्रे कर दीजिए, इन्हीं के साथ मिलाकर टैबकोनाजोल के साथ, यह भी सस्ता आता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता है। अगर आप इनका स्प्रे कर रहे हैं तो इसका भी आप टैबकोनाजोल का स्प्रे कर दीजिए, क्योंकि यह अगर पहले थोड़ी सी इस अवस्था में दिखता है, फिर एकदम से पूरी फसल में फैल जाता है, भारी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि जो हमारी फ्लैग लीफ यानी कि जो पत्ती झंडा पत्ता रहती है, जो पत्ती निकलती है, वह हमारी फसल को यानी कि गेहूं की बाली को निकालने में जो खाना बनाती हैं सूर्य की रोशनी से, जो खाना बनाती है, अगर उसमें येलो रस्ट हो जाएगा तो वो खाना की प्रक्रिया स्लो कर देगी और हमारी बालियां कमजोर हो जाएंगी और हमारी फसल को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसके लिए किसान भाइयों, आप इसका भी एक स्प्रे कर दीजिए, जिससे कि हम अधिक से अधिक अपनी गेहूं की फसल में लाभ ले पाएंगे। तो किसान भाइयों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार।